ये भी आपने नाम सुना होगा, मोहम्मद सुबहान फैसलाबाद से, ये मेरे भतीजे का नाम ही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश था, तो मैंने सोचा अपने यूट्यूब फैमिली के साथ खुशी आपके साथ शेयर करूँ। तो जैसे कि आपको पता है, आज ये फ्राइडे है और यकम दिसंबर है। तो आज हमारे फैसलाबाद के एक बहुत ही बड़े मदरसे दारुल कुरान में बहुत सारे बच्चे हैं जो हाफिज़ कुरान बने हैं, उनकी आज दस्तार बंदी थी। तो उसी में शामिल है जी मेरे बड़े भाई के बेटे मोहम्मद सुबहान इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम सुबहान इब्राहिम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। तो पहले तो आपको मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सआदत है जो अल्लाह ताला ही चुनते हैं, जो हाफ़िज़ कुरान होते हैं ना अपने सीने में, उनके सीने में अल्लाह ताला कुरान रखते हैं, तो ये बहुत बड़ी सआदत की बात होती है। तो आप ये बताएं, आपको आज कैसा फील हो रहा है? आपने कितने अरसे में इसको पूरा किया और कौन कौन से बच्चे वहाँ से हिफ्ज़ करके आपके साथ निकले हैं, सारी तफसील ज़रा मेरे यूट्यूब फैमिली और उससे ज़्यादा शेयर तो करें थोड़ा सा। मैंने हिफ्ज़ किया कोई 4 साल में हिफ्ज़ किया, और जो इसी तरह बच्चे फारिग हुए हैं ना हिफ्ज़ की क्लासों में, वो 658 बच्चे हैं, और बाकी जो उलामा कराम है वो है कोई 80 उलामा कराम है, और तालबात में भी 80 की तालबात, 150 तक तालबात में लड़कियां फारिग हुई हैं हिफ्ज़ में से, और जो से कारी बने हैं करात वगैरह करते हैं, तो वो उनमें से कोई 80 के बच्चे इतने हैं, और सबसे ज़्यादा हमारे हिफ्ज़ में बच्चे हैं। और ये हमारे मदरसे का नाम जामे दारुल कुरान है, किस जगह पे वाक़ है ये बताएं ना? ये इधर है मुस्लिम टाउन में, ये मुस्लिम टाउन में। अच्छा, तो दस्तारबंदी में आपको उन्होंने क्या क्या चीज़ें दी हैं? मुझे उन्होंने ये एक पगड़ी दी जो मैंने पहनी हुई है, और ये कार्ड है मेरा, ये कार्ड है। इस कार्ड को मैं ज़रा थोड़ा सा जूम करके दिखाएं ना इस कार्ड को, ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ क्या कर गया उसके। ये देखें, ये आप देखें, ये कार्ड है, ये मोहम्मद सुबहान इब्राहिम, मोहम्मद मुफ्ती मोहम्मद नवीद, ये इनके वालद साहब का नाम है, ठीक है, मेरे भाई का नाम है, ठीक है। और आपको उसके साथ क्या मिला वो भी दिखाएं। मुझे इसके साथ ये किताब दी उन्होंने, ये किताब है, ये देखें, ये किताब है, ये इनको मिली, ठीक है, उस वजह से ये किताब है। तो ये हर स्टूडेंट को मिली है जितने भी वहाँ से पाए हुए हैं, जो इसके पीछे और ये किताबें भी इनमें से मिली इनको। अच्छा अच्छा, ये जो पीछे वाली जो बुक्स के नाम लिखे हुए हैं ना, ये भी आप इनको दिखाएं, ये भी मिले हैं, ठीक है, ठीक है, ये भी इनको मिले, मतलब वो जो आप जो हिफ्ज़ किए उनको भी मिले हैं, जो किताबें वाले कर्सा वगैरह किरात वाला उन सबको मिले हैं, ठीक है, सबको मतलब एक जैसा ही मिला। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। तो कब ये तकरीब शुरू हुई, कितने बजे तक ख़त्म हुई? हमारी तकरीब हो गई थी जब मैं तो 10 बजे गया हूँ, 11 बजे तकरीब शुरू हुई है। अच्छा, तो उसके बाद फिर हमने जुमे की नमाज पढ़ी है। सही। उसके बाद जुमे की नमाज हमने स्टेज पर पढ़ी है, उसके बाद फिर हमने उधर बयान हुए हैं ये मस्जिद अक्सा के वगैरह बारे में, फिर दूसरा बयान हुआ था कि हमारे बारे में, और फिर हमने दुआ की है, फिर सब बच्चों के इनामत मिले, फिर हम आ गए। तो असल के बाद 5 बजे तक हम सब फारिग हो गए थे। तो जी देखिए भाई, कितनी बड़ी सआदत है ये, तो इसलिए एक बार फिर आपको मुबारकबाद देता हूँ, और आपसे कहता हूँ कि आपने इसको भूला नहीं है, सारी ज़िंदगी याद रखना है, जैसे आपके अभिजान ने याद रखा है, इनके वालद साहब की बात कर रहा हूँ, मुफ्ती मोहम्मद नबी साहब। बताया था कि हमारी एक मस्जिद है घर के पास ही है 2 कदम पर, तो हर जुमे माशाल्लाह से वही मेम्बर पर बैठते हैं, तो वहाँ मेम्बर पर बयान करते हैं, और हमारे जो मस्जिद में ईद पढ़ाते हैं, तो माशाल्लाह जामे मस्जिद है, ईद भी वही पढ़ाते हैं, तो ये उनके ही माशाल्लाह से बैठे हैं। तो जी आपके साथ शेयर किया, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगी। और इसके अलावा हम इंशाल्लाह कल फिर आपके साथ नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।